फ्रेंड्स वेलकम टू इजी कुकिंग में देखता क्योंकि आपको मेरे चैनल पर साउथ इंडियन रेसिपीज हमेशा से पसंद आती हैं इसलिए आज एक और साउथ इंडियन रेसिपी लेकर आ रही हूँ जो परफेक्ट है हर एक ओकेजन के लिए. रिसेंटली होली आने वाली है, आई एम श्योर ये स्नैक आपको जरूर पसंद आएगा. आइए क्विकली रेसिपी का नाम बता दूँ और उसके इन्ग्रीडियंट्स बता दूँ. रेसिपी का नाम है मसाला वड़ा या दाल का वड़ा और इन्ग्रीडियंट्स आपके सामने हैं. ये है एक बड़ा टेबल स्पून जीरा पाउडर, एक बड़ा टेबल स्पून किचन किंग, एक टीस्पून सॉल्ट, अराउंड 25 ग्राम्स बॉइल्ड पोटैटो, यहाँ पे आधी अनियन मैंने लिया है जिसको चॉप कर लिया है, फ्रेश कोरिएंडर मैंने लिया है और फ्रेश ग्रीन चिलीज हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया है, एक कप चना दाल मैंने ली है दाल जिसको मैंने सोक किया है क्लीन वाटर में. ये आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर पानी है लगभग डेढ़ घंटे के लिए. वी वुड नीड सम पहला सेपरेट ड्रेनिंग आउट द वाटर फ्रॉम द दाल. पानी निकाल दें आप दाल से. उसके बाद आप इस मिक्सचर में ऐड करेंगे प्याज और फ्रेशली कट कोरिएंडर और ग्रीन चिलीज. थोड़ी सी प्याज और कोरिएंडर आप बचा लें. आप ऐड कर सकते हैं सॉल्ट. इनको कोर्सली ग्राइंड करें. कोर्सली ग्राइंडेड दाल रेडी है. इसमें ऐड कर दें आलू, बचा हुआ सॉल्ट, किचन किंग, पिंच ऑफ हल्दी, ये बताना भूल गई थी मैं आपको, इसी कटी हुई प्याज, हरी मिर्ची और कोरिएंडर. इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लें. मिक्सचर इज रेडी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल यूनिफॉर्म मिक्सचर बन गया है. ऐड कर दें 1-2 टेबल स्पून ऑयल. एक बार फिर से सब चीज़ों को मिला दें. इस तरह से थोड़ा सा मिक्सचर आप अपने हाथ पे लें, हल्का सा रोल करें इसको और हाथों से फ्लैट कर दें. बस वड़े की प्रॉपर शेप आ गई है. अब इसको अगर मेदू वड़ा का शेप आपको देना है तो आप बीच में एक होल बना सकते हैं. ये देखिए वड़े की शेप. ये देखिए गरम तेल में मेरा पहला वड़ा चला गया है. वड़े को डालते के साथ ही आप अपनी फ्लेम को लो टू मीडियम कर दें और वड़े को दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएं. गोल्डन कलर आने लगा है. पहला वड़ा सिककर बिल्कुल रेडी है. द ब्यूटी ऑफ दीज वड़ाज आर ये बाहर से हो जाते हैं क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट रहते हैं खाने के लिए. इसी तरह से बाकी सब वड़े हम अपने सेकेंगे. एंड हियर यू गो, हमारे वड़ास बनकर बिल्कुल रेडी हैं. इतनी क्विक ये रेसिपी है, बहुत ही यम्मी रेसिपी है. ट्रस्ट मी, वन ऑफ द बेस्ट रेसिपीज इन साउथ इंडियन प्लेटर. और एक चीज मैं और आपको दिखाना चाहती हूँ. ऑल्दो इट्स अ डीप फ्राइड रेसिपी बट आप देख सकते हैं ये वड़ास बिल्कुल भी तेल अब्जॉर्ब नहीं करते, बिल्कुल मिनिमल तेल ये वड़ास अब्जॉर्ब करते हैं. ये इजी टू मेक रेसिपी जरूर पसंद आई होगी. होली पे इस रेसिपी को जरूर ट्राई आउट करें, अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को आगे जरूर पास ऑन करते रहें अपने फ्रेंड्स के पास. अगर मेरे लिए कुछ फीडबैक है तो प्लीज शेयर करें. बाय बाय फॉर नाउ.